पूर्व विधानसभा स्थित करिया पाथर मुक्तिधाम में काफी समय से गंदगी और अव्यवस्था का आलम छाया हुआ है। चारों ओर गंदगी फैली हुई है और मुक्तिधाम भी टूटा फूटा हुआ है, जिससे वहां अंतिम संस्कार करने आने वाले लोगों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ता है। तो वहीं क्षेत्रीय लोगों ने जानकारी देते हुए बताया कि यहां गंदगी फैली होने से क्षेत्र के लोग लगातार बीमार होते रहते हैं। तो वहीं क्षेत्र में नगर निगम के द्वारा साफ सफाई का कार्य भी नहीं किया जाता है, जिससे क्षेत्र में गंदगी का आलम छाया रहता है। वहीं मौके पर देखने को मिला कि मुक्तिधाम में रखी हुई कुर्सियां भी टूटी हुई है, तो वहां पर लगे हुए टीन की शेड भी क्षतिग्रस्त हो चुके हैं और आवारा जानवर भी खुलेआम मुक्तिधाम में घूमते रहते हैं। भैया इधर बहुत सारी समस्याएं हैं, जैसे कि कुर्सियों की कमी है, सब कुर्सियां टूट गई हैं, नाली वाली पूरी भरी पड़ी रहती है, साफ़ सफाई बिल्कुल ज़रा सी भी नहीं, गाड़ी पार्किंग की ज़रा सी जगह नहीं, अगर कोई डेड बॉडी आ जाती तो गाड़ी पार्किंग के लिए भी जगह नहीं है, और भी बहुत सारी समस्याएं हैं। नगर निगम इधर आता ही नहीं है, झांकता ही नहीं है। देखो ना, आप देख सकते हो, पीछे पलट के देख लो, कचरा कितना डला, गाय भैंस इधर घूमती रहती है, सफाई का कोई ध्यान ही नहीं है। ये पार्किंग व्यवस्था नहीं है, पार्किंग की गाड़ी आड़ी आती, जाम वाम लग जाता है इधर पर, और लकड़ी रखने की सुविधा नहीं होती अच्छी। ये कौन सा शमशान घाट है और समस्याओं में क्या क्या कमियां आपको देखो? नगर निगम से झाड़ने वाले नहीं आते, तो यहाँ बहुत कचरा मच जाता है, जितनी भी झाड़ू वाड़ू तो यहीं के कर्मचारी लगाते हैं, तो साफ सफाई के ध्यान दे दे नगर निगम थोड़ा अच्छे से। ये करिया पाथर शमशान घाट है, पूर्व विधानसभा के क्षेत्र के अंतर्गत आता है, और ये करीब करीब 500 साल पुराना है, लेकिन 500 साल में मेरी इतनी उम्र है नहीं है, लेकिन जब से मैं देख रहा हूँ यहाँ निर्माण कार्य में थोड़ा बहुत कांग्रेस शासन काल में थोड़ा बहुत यहाँ पे काम हुआ है, लेकिन मतलब उसके बाद यहाँ भी जैसे रख रखाव है नगर निगम के, यहाँ ये करिया पाथर शमशान घाट नगर निगम की उपेक्षा का शिकार रहा है हमेशा। यहाँ पर हम लोगों ने आशा किया है कि यहाँ पर साफ़ सफाई की अलग से व्यवस्था बने, पानी की सुचारू रूप से व्यवस्था बने, प्रकाश की व्यवस्था बने।